वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड लाइफस्टाइल विद मीसो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि है मेकअप ट्यूटोरियल। यस फ्रेंड्स, क्योंकि समर्स ऑलरेडी जा चुके हैं एंड अब आ चुका है रेनी सीजन, तो मैंने रेनी सीजन को ध्यान में रखकर मेकअप लुक किया है। एंड गाइस, रेन में आप, बारिश के मौसम में आप किस तरह से अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं जिनकी हेल्प से आप अपने मेकअप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ भी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एंड वीडियो में होने वाला गिव अवे से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कहीं भी मत जाएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, गिव अवे का जो रिजल्ट है 30 जुलाई को अनाउंस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने 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 एफर्ट्स देते रहिए, विनर बहुत जल्दी अनाउंस होने वाले हैं, कुछ ही डेज रहेंगे, यानी 30 जुलाई को इस गिव अवे का जो रिजल्ट है अनाउंस हो जाएगा। एंड मेरे चैनल पे आने वाले हैं बैक टू बैक गिव अवे, तो उनके लिए भी आप कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल पे एक्टिव रहिए, क्योंकि गाइस जो भी मेरे प्रीवियस विनर्स बन चुके हैं या जो बनेंगे वो मेरे आने वाले भी गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड सभी को चांस मिलेगा विनर बनने का, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्टिव सब्सक्राइबर चाहिए। जो भी एक्टिव रहेगा, एफर्ट लगाएंगे, विनर्स वही बनेंगे, चाहे वो 10 बार बन चुके हों एंड आगे भी वही बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने एफर्ट लगाते रहिए एंड गिव अवे के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर लूंगी, मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुड वाइब्स की डे क्रीम, जो कि SPF 30 के साथ हमें मिल जाता है। एंड गाइस, ये क्रीम बहुत अच्छी है, मैंने इसका हॉल किया था एंड मैंने इसको यूज किए हुए मुझे 10 डेज हो गए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरे को कहीं पर भी कोई दाना या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है इसको यूज करने के बाद। और ये जो क्रीम है एंटी ब्लैमिश ग्लो क्रीम है, इससे लूंगी थोड़ी सी क्वांटिटी एंड आप देख सकते हैं गाइस, मैंने इसको यूज कर लिया है तो ये काफी सारा एम्प्टी भी हो चुका है एज यू कैन सी, और बहुत ही अच्छा है। जरा सी क्वांटिटी लूंगी मैं इसकी, यहाँ पे कैप से ही ले लूंगी, सी गाइस, और इसको मैं ऑल ओवर फेस पे अपने पे अप्लाई कर लूंगी। प्राइमर, और जो प्राइमर है मेरा NYV का है, तो मैं हल्का सा ही प्राइमर ले लूंगी। गाइस, प्राइमर को आपको इस तरह से नहीं लगाना है कि आपको मसाज करनी हो, बहुत ही हल्के हाथों से आप इसको डैबिंग मोशन में यूज कीजिए, क्योंकि आपके प्राइमर का काम क्या होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करने में हेल्प करते हैं, उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं गाइस, तो आपको प्राइमर हमेशा यूज करना चाहिए अपने मेकअप में, और स्पेशली अगर आप रेनिंग सीजन में कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, प्राइमर को हमेशा ही यूज कीजिए और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज कीजिए। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना बेस बनाऊंगी, तो मैंने अपने मेकअप के लिए जो फाउंडेशन लिया है ये माई ग्लैम पोज HD फाउंडेशन स्टिक ले रही हूँ, और इसमें जो मेरा शेड है FDT01 करके है, और बहुत अच्छा फाउंडेशन है गाइस, ये बहुत अच्छी है, कवरेज भी काफी अच्छी है गाइस, बट इसकी क्वांटिटी काफी कम होती है तो इस वजह से थोड़े ही कॉस्टली पड़ जाते हैं, बट इससे अगर आप चाहो तो काफी अच्छे खासे प्राइस पे, डिस्काउंट प्राइस पे इसे परचेज कर सकते हैं माई ग्लैम का ऐप डाउनलोड करके, तो मैं इसे अप्लाई कर लूंगी गाइस। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पे कोई एक्ने के स्कार्स हैं या पिगमेंटेशन हो रही है, तो आप उससे पहले, फाउंडेशन से पहले आप अपनी स्किन पे कलर करेक्टर लगाइए जो कि ऑरेंज कलर में होना चाहिए, उसी के बाद अपना फाउंडेशन लगाइए, तो मेरा इतना था नहीं तो मैंने डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लिया था। सो फ्रेंड्स, अब मैं कंसीलर लूंगी, जिन एरियाज को मुझे हाईलाइट करना है वह वहां पे लगाऊंगी, तो बेसिकली हम कंसीलर यहाँ पे अपनी अंडर आई एरिया में लगाएंगे गाइस। अपने टी जोन पर लगाएंगे एंड अपने जॉ लाइन के, फेस
हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपने अपना फेस पे बेस बना लिया है उसको सेट तुरंत करना चाहिए। अगर आपने छोड़ दिया तो आपका जो मेकअप है, आपका जो बेस है, केक ही हो जाएगा और क्रैक भी आने लग जाते हैं मेकअप में, आपकी फाइन लाइंस उभरने लगती हैं। इसलिए हमेशा आप अपने बेस को तुरंत ही सेट कीजिए एक अच्छे लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट से। मैं सेटिंग पाउडर ले रही हूँ जो की है माइग्लैम का, और इसमें मेरा जो शेड है व्हाइट शेड में ले रही हूँ मैं, और इसको मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाऊंगी गाइस। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने फेस को शेप देने के लिए और थोड़ा सा इनको हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रॉन्जिंग करूंगी अपने चिक बोन्स को, जिससे कि थोड़ा सा मेरा फेस थोड़ा हैवी लगे। फ्रेंड्स, कॉन्टूरिंग और जो ब्रॉन्जिंग होता है दोनों सेम ही होते हैं, कोई ज्यादा उसमें चेंज नहीं होता है। फ्रेंड्स, कॉन्टोरिंग आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने जो हैवी फेस है उसको सिर्फ कट देने के लिए यूज करते हैं, आप अपनी कॉन्टोरिंग को अपने फेस को उभारने के लिए भी कर सकते हैं, आपके जो एरियाज हैं जिन्हें आपको हाईलाइट करना है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बस आपका तरीका चेंज हो जाएगा कि आपको कॉन्टोर करना कैसे है। सो फ्रेंड, जैसे कि मेरा फेस जो है थोड़ा फ्लैट है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा सा हैवी दिखाने के लिए मैं यहाँ से अपना चिक बोन से अपना ब्रॉन्जिंग या कॉन्टोरिंग शेड यूज करूंगी, जिससे कि थोड़ा हैवी लगेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये आपके लिए न्यू है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये वाला एरिया कितना हैवी लग रहा है और ये थोड़ा फ्लैट लग रहा है, आप देख सकते हैं। बस लगाने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। और इसको आप यहां से लगाते हुए हल्का सा ऊपर लेके जाइए, तो ये क्या है आपके एग्जैक्ट फेस में ऊपर तक मैच हो जाएगा, अलग सा नहीं दिखेगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स का आपको ध्यान रखना है गाइस। सी गाइस, आप इधर का देखोगे और इधर का देखोगे तो आपको इधर का फ्लैट दिखेगा और इधर का थोड़ा सा हाईलाइट उभरा हुआ दिखेगा। तो सेम मैं इस वाले चिक पे भी कर लेती हूँ। आती है अब मेरी आई मेकअप की बारी, तो मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मैं इस पैलेट से करूंगी, सारा आई मेकअप इसी पैलेट से करूंगी। सो गाइस, मैं यहाँ पर लूंगी ये वाला शेड, हल्का सा ब्राउन, जो लाइट शेड ब्राउन है, एक ये शेड यूज करूंगी और उसी के बाद मैं थोड़ा सा ये वाला शेड यूज करूंगी। तो टोटल मैं ये दो शेड यूज करने वाली हूँ और इसके बाद मैं कॉर्नर्स पे, आउटर कॉर्नर्स पे ये डार्क वाला शेड यूज करूंगी। तो थ्री शेड को यूज करके मैं पूरा आई मेकअप करूंगी। तो सबसे पहले मैं लाइटर शेड ले लेती हूँ। बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है और जो कि है रेवोल्यूशन की, मेकअप रेवोल्यूशन, बहुत ही पिगमेंटेड है गाइस। अब मैं यहाँ पर ये शिमर शेड लूंगी, जो कि मैं इस एरिया से हाफ थ्री फोर्थ एरिया तक लगाऊंगी। तो ये वाला शेड जो है मैं ब्रश की हेल्प से ही लगा रही हूँ, आप फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। आउटर कॉर्नर्स पे लगा लूंगी हल्का सा। इसमें अपना सबसे पहले मस्कारा लगाऊंगी, तो मैं मस्कारा के लिए एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि अगर आपको मस्कारा लगाना नहीं आता है या आप अब मस्कारा लगा रहे हैं, आपने बहुत बार ब्रश में ले लिया है लेकिन फिर भी आपके जो मस्कारा है ठीक से नहीं लग पा रहा है, तो आप किस तरह से लगा सकते हैं, ये वाली जो ट्रिक है बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। एंड जैसे गाइस, आप कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं, लूज पाउडर ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ये सेटिंग पाउडर ले रही हूँ। आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं, आप टेलकम पाउडर भी ले सकते हैं और किसी भी अपने ब्रश पे लेके आप अपने लैशेस पे लगाइए हल्का हल्का गाइस। एंड आप कोई भी मस्कारा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे माइग्लैम का मस्कारा लिया है, तो मैं इसको ऊपर की साइड में ट्विस्ट करूंगी गाइस।
गाइस आप देख सकते हैं, थोड़ा फर्क दे सकते हैं यहाँ पे, और कितने अच्छे से एक ही बार में अप्लाई हो रहा है अच्छे से। पाउडर की जगह पे कोई भी ब्लैक आई शेडो लगा सकते हैं, व्हाइट आई शेडो लगा सकते हैं, तो ये ट्रिक भी आपके लिए एक न्यू है। तो अगर आपके पास पाउडर भी नहीं है तो आप कोई भी आई शेडो मैट शेड में हो वो अपनी लैसेस पे लगाइए, देन उसके बाद अपना मस्कारा यूज कीजिए। सो गाइस देखिए आप बहुत जल्दी से ये हमारा मस्कारा अप्लाई हो रहा है। लगाने से हमारी जो आई लेसेस है थोड़ी हैवी दिखेंगी, तो फटाफट से हम एक बार पाउडर लेंगे। गाइस मैंने अपने ब्रश से पहले ही ले रखा था, क्योंकि अगर मैं दोबारा लगाती तो मेरा जो पाउडर है वो खराब हो जाता, उस पर ब्लैक कलर लग जाता, तो मेरे ब्रश में पहले ही प्रोडक्ट ले रखा था मैंने, एंड मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। गाइस एंड मैं अपना मस्कारा लूंगी एंड इसको फिर से ऊपर की साइड में। सो गाइस आप देख सकते हैं कि सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा? एंड गाइस मैं फाइनल में सेटिंग स्प्रे लगाऊंगी जो कि है फेसेस कनाडा का, एंड मैं टू पंप ही करूंगी, और थोड़ा दूर से कीजिएगा फ्रेंड्स अपने आईज को क्लोज करके। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे हाइलाइटर नहीं लगाया है, ना ही मैंने यहाँ पे ब्लशर लगाया है। अगर आपको ब्लशर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि नाइट में मैंने ग्लैम कॉकटेल लुक किया है, तो इस तरह के जो मेकअप है आप इसको थोड़ा सा डस्की टाइप में करोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड हाइलाइटर इस पे लगा सकते हैं आप, इस पे थोड़ा गोल्डन शेड में अपना लगाइएगा, मेबलिन का अच्छा हाइलाइटर है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मेकअप लुक है आपको कैसा लगा, आपको ट्रिक्स कैसी लगी? सो गाइस आज का जो गिव अवे क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने इस वीडियो में मेकअप से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, आप मुझे टोटल काउंट करके बताइएगा कि मैंने कितनी ट्रिक्स बताई हैं और ट्रिक्स किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये पूछूंगी कि कौन सी ट्रिक है तो आप उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो थोड़े बड़ी लेंथी हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि आप मैंने किस चीज से रिलेटेड टिप्स दी हैं, लाइक आई से दिया है, फेस से दिया है, तो इस तरह से आपको उन ट्रिक्स का टोटल काउंट करके बताना है, और मैंने किस चीज से रिलेटेड मैंने ट्रिक्स दी हैं वो आपको बताना है। इसका जो आंसर है आप मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिएगा। आ रहे हो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर है, तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि फ्रेंड्स मेरे जो चैनल है इस चैनल पे गिव अवे आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, यानी अगस्त महीने में दो गिव अवे आने वाले हैं। दोनों ही गिव अवे का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है उसी महीने में ही हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा देरी नहीं है गिव अवेज के लिए। एंड आप भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट विन करने हैं, मैं किस तरह के प्रोडक्ट रखूं आने वाले गिव अवेज में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए बताइएगा। एंड इस वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट होने चाहिए गाइस, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।